हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चंगा, ये देखिए, ये बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटी बनाई है। उन्होंने अपना हाउस बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बना रखा है और तो बहुत ही अच्छे से, बहुत छोटी छोटी कटिंग की है बच्चों ने। ये कितना अच्छे से प्यारा सा ये ट्री उन्होंने डिजाइन किया है, कितने अच्छे से इस चीज़ को उन्होंने बनाया है। पूरा ट्री आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है ये सब। ये देखिए, छोटी छोटी कटिंग कर रही है बच्चों ने ना, बहुत ही अच्छा है ये चीज़। तो आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। हाँ गाइस, देखिए बच्चों से मिलवाता हूँ आपको। ये बच्चे हैं, देखो क्लास में पढ़ रहे हैं, इनसे आप मिलिए। ये जुबेर हैं, जुबेर खान, और ये हैं अर्जुन। अर्जुन से मिलिए। देखिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो अर्जुन आप? इंग्लिश पढ़ रहे हो? ओके, देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं ये। शिखा भारती से, जो हमेशा टॉपर ही रहती है इस क्लास में, ये हैं शिखा भारती। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ को, हर कोई भी एक्टिविटी करनी है बहुत प्रॉपर ढंग से, अच्छे तरीके से करना है और डिसिप्लिन के साथ करना है उस चीज़ को। तो ये बच्चे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप देख सकते हो इनको। ये देखिए आप पीछे, मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही, अभी हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन किया था और बहुत ही अच्छे से बच्चों ने एक्टिविटी बनाई। तो देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से ये डेकोरेशन की हुई है सभी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्रिसमस जो हमारे सांता क्लॉज जी हैं, इनको कितने अच्छे से इन्होंने प्रॉपर ढंग से बनाया है। ये जो सभी हाउस हैं आप देख सकते हैं, हाउस बोट देख सकते हैं, ये कितने अच्छे से बनाया गया है। ये वाला देख सकते हैं, ये सांता वाला, बहुत अच्छे से बच्चों ने चीज़ें बनाई हैं, बहुत अच्छे प्रॉपर ढंग से किया हुआ है सभी चीज़ों को। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं और हमेशा लगे रहते हैं मेरे साथ, और मैं भी उनके साथ लगा रहता हूँ और टीचर हमारा सहयोग करते हैं। तो सब प्रॉपर चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छे से हो रही हैं, और हमारा जो मोटिव है हर चीज़ को आगे लेके जाना है, बच्चों के साथ चलना है, सभी को मिलजुल के चलना है और आगे बढ़ना है। मैं आपको बच्चों से मिलवाता हूँ। देखो लंच ब्रेक हो गया है स्कूल में और अभी मैं स्कूल में ही हूँ और ये बच्चे लंच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लोग ये लंच खा रहे हैं। ये नम्रता हैं और ये अभिषेक हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं सब। हेलो बोलो। तो ये सब बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप बात कर सकते हो। ये देखो सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, लंच हो गया है। और इधर मैं दिखाऊंगा, हमारे स्कूल की छोटी बहन भी है जिसमें बच्चे आते हैं, और एक ड्राइवर साहब भी हैं जो बच्चों को सुबह मॉर्निंग में लेके आते हैं और छोड़ते हैं, उनको घर पे ड्रॉप किया जाता है। तो सब प्रॉपर है, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। इधर देखिए कुछ बच्चे इधर बैठे हुए हैं, ये ऋषभ भारती हैं और ये ऋषि हैं, इनसे मिलिए। और ये क्या नाम है आपका? विनोद हैं। तो अभी लंच ब्रेक हुआ है और ये सब लंच कर रहे हैं, और ये जो है इस क्लास में टॉपर आते हैं, फर्स्ट हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। ऋषभ भारती, हाय बोलो। हाय। तो उधर देखो त्रिषा भी है, मैं आपको मिलवाता हूँ त्रिषा से। ये त्रिषा है, देखो लंच कर रही है, और बहुत प्यारी बच्ची है ये, हमेशा आगे रहती है और हर चीज़ में आगे रहती है। ये देखिए त्रिषा है, ये हमारा रिसेप्शन है, यहाँ पे बैठते हैं जो मैम है वो देखती हैं, यहाँ पे रिसेप्शन फीस वगैरह जमा करनी है। तो ये कोई भी आता है यहाँ बैठता है और मिलते हैं वो। ये हमारा छोटा सा एक्टिविटी बोर्ड है और इस पर सभी एक्टिविटी रहती है कि स्कूल में क्या क्या चल रहा है। और ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है, यानी कि मेरा ऑफिस है, तो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीज़ रखी हुई है प्रॉपर, सभी अच्छी तरह हैं। और जो स्कूल में है ना, बहुत शांति है और पीसफुल एरिया है और बच्चे हैं, क्यों ना हो शांति। और सभी का जो है कनेक्शन बहुत अच्छा है, एक दूसरे से तालमेल बहुत अच्छा है और सब चीज़ें मिलजुल के ही होती हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं, प्रॉपर ढंग से हो जाती हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, और गले लगा लो हर इंसान भी अपना है, चलो तो रहा गुजारा हम बांटने का प्यार, हम सब एक ही हैं और कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। और जो कि जीनोम प्रोजेक्ट निकाला है साइंटिस्टों के द्वारा निकाला गया है, उसको बताया गया है कि हम सब एक ही है, 99.9% वी आर सेम। तो हम सेम, हम फिर कौन कहने वाले होते हैं कि हम डिफरेंट हैं? तो सभी धर्म एक ही हैं, और पहले तो बात तो कोई धर्म ही नहीं है, हम सब एक हैं। और मुझे लगता है कि हम सब अगर एक बन जाएंगे तो कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है और सब कुछ आसान हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर एक 10th क्लास की बच्ची है, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है और हमेशा से बहुत अच्छी रही है हर एक्टिविटी में। और ये आप मिल सकते हैं, पल्लवी है और बहुत प्यारी बच्ची है ये। और किसी से मिल पाता हूँ मैं आपको? चलो चलते हैं, तो आइए ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। अभी लंच ब्रेक चल रहा है और मैं दिखाता हूँ आपको क्लासरूम में क्या चल रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, क्लासें बन रही है ना।
तो इधर आप देख सकते हैं इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है और अभी काम चल रहा है। स्कूल में क्लासें मर रही हैं, स्कूल क्योंकि 12 तक है तो क्लासें कम हैं और धीरे 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 स्कूल ग्रो कर रहा है काफ़ी। तो आप देख सकते हैं इधर काम चल रहा है, आज लोग आए नहीं हैं। तो आइए फिर मैं आपको फोन क्लासें बताता हूँ। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप देख सकते हैं, लंच ब्रेक चल रहा है अभी और लंच कर रहे हैं लोग आप देख सकते हैं। आए बच्चे तो बहुत प्यारे बच्चे हैं और पूरा दिन मेरा इन्हीं बीत जाता है और ऐसा है मेरा मन नहीं लगता इनके बिना। ये जब मैं स्कूल में आता हूँ तभी ऐसा लगता है कि रौनक आ गई है। तो इनके बीच में मुझे बहुत अरसे बीते हैं, बहुत टाइम हो गया है, 5-6 साल से मैं इन लोगों के बीच में हूँ। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे, अंदर से मतलब उभार आता है, इससे मिलकर मैं खुश हो जाता हूँ। तो गाइस मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है ना, किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो ये आप देख रहे हैं एक्टिविटी ना, बर्थडे एक्टिविटी। तो यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो ली जाती है और ग्रुप में सेंड कर दी जाती है, तो बहुत अच्छी चीज आती है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ आप देख सकते हैं, हर मंथ का यहाँ पे मेंशन है ना, और आप देख सकते हैं। और इधर बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चे हैं और 8 क्लास के बच्चे हैं और बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, इनके बिना मेरा मन भी लगता है, मैं जब इनके बीच में आता हूँ खुश हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ, झूले पे आ चुका हूँ और आप देख रहे हो कि ये झूले पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखा चुका हूँ और जो बच्चे हैं ना, बच्चे तो मन के सच्चे ही होते हैं और उनके अंदर ना कुछ ऐसा झूठ सा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है, वो जो चीज़ होती है वो क्लियर मुझसे शेयर कर देते हैं, बता देते हैं। और मैं उनका पूरा जो भी एक्टिविटी उनको लगता है कि सर को बताने चाहिए और जो बैच होता है तो बहुत मज़ा आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसे ही बच्चे कह देते हैं कि इस चीज़ में बहुत ही मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है उनकी बातें सुनने में, और उनके जो ख्याल होते हैं वो जब व्यक्त करते हैं तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ रहने में। तो आप बताइए फिर आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और आगे लेके जाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।